मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं, जिसे याद कर अभी तक मुझे रोना आ जाता है। मैं अपने परिवार के साथ अयोध्या घूमने गया। छुट्टियों का समय था, दोनों बच्चे मेरे साथ थे, एक की उम्र 18 वर्ष, एक की उम्र 16 वर्ष। मेरी धर्मपत्नी और मैं अयोध्या पहुंचे। 19 जून 2019 सायंकाल का समय था। मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा, कल प्रातःकाल हम सरयू में स्नान कर भगवान श्री रामलला के दर्शन करके पुनः वापस निकल चलेंगे। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल 5:30 बजे मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, चलो स्नान करने चलते हैं। उन्होंने कहा, बहुत सवेरा है, थोड़ा देर से चलेंगे। मैंने कहा, प्रातःकाल का महात्म्य बहुत बड़ा है। मेरी बात सुनकर मेरे दोनों बच्चे और धर्मपत्नी स्नान के लिए तैयार हो गए। हम सवेरे 5:45 बजे सरयू में पहुँचे। वहाँ आराम से स्नान कर रहे थे। अब तो वहाँ की छटा बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बचपन में जब छोटा था तब अयोध्या गया था। पहले की अयोध्या में और आज की अयोध्या में बहुत परिवर्तन देख मेरा मन प्रसन्न हो गया। पहले तो जब स्नान करने जाते थे वहाँ के घाटों पे उतरते ही बहुत डर लगता था, कहीं फिसल ना जाए। पर अब तो योगी सरकार ने बड़ा सुंदर ही कार्य कर दिया है। हम स्नान कर रहे थे, मन प्रसन्न था। यही एक इच्छा थी मन में कि स्नान के बाद प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। मैं स्नान कर रहा था, अचानक से कोई पत्थर मेरे पैर में लगा। बहुत तीव्र दर्द हुआ, सहन से बाहर था। मैं अपने शरीर को संभाल न सका, मेरा शरीर जोर जोर से हिलने लगा। मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा, मुझे हाथ दो, और हाथ देकर वह मुझे बाहर लेकर आई। मैं एक किनारे बैठ गया। मैं जिस किनारे बैठा उस समय जो मेरे साथ घटित हुआ वह बड़ा ही अलौकिक था। मेरे आँखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मेरा दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पैरों से खून की धारा बह रही थी, मैं रोता जा रहा था। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतने में मेरे बच्चे भी मेरे पास आ गए। मुझे रोता देख उन्हें भी रोना आ गया। कहने लगे, पिताजी क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, पैर में कुछ लग गया है, समझ नहीं आ रहा है। धर्मपत्नी इधर उधर दौड़ी। उसने सोचा, कोई मिल जाए तो हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। पर आसपास कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जहां मैं बैठा था वहीं नज़दीक पे पता नहीं एक मूर्ति पड़ी थी। ऐसे लगा भगवान श्री राम की ही मूर्ति है। वह मूर्ति मेरे नज़दीक आकर सटक गई, क्योंकि पानी के प्रवाह से वो बहती आ रही थी। मैंने उसे संभाल कर रखा। मैंने कहा, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, मैं आपके ही भरोसे यहाँ आया हूँ। इस प्रकार जब मैं रो रहा था तभी एक सज्जन वहाँ आए, पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, पैर में बहुत गहरी चोट लगी है, खून बह रहा है। हम यात्री हैं, बाहर से आए हैं, कहीं जानते भी नहीं कहाँ जाना है। तब वह सज्जन कहने लगे, चिंता मत करो, मैं यहाँ रोज आता हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, चलो आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उसने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। मेरी धर्मपत्नी, मैं, मेरे बच्चे, हम उसकी कार में आकर बैठे। वह सज्जन मुझे हॉस्पिटल लेकर आया और डॉक्टर को कहने लगा, इनका इलाज कीजिए, अच्छे से इलाज करना, कोई कमी नहीं रखना। इस प्रकार कहकर वह थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे। मेरा इलाज प्रारंभ हुआ और डॉक्टर ने कहा, आपके पैर में कोई तीखा पत्थर घुस गया है, उसे निकालना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, जो करना है कर लो। डॉक्टर ने अपना इलाज प्रारंभ किया। थोड़ी देर में वह पत्थर निकलकर बाहर आ गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए यह पत्थर आपके पैर में चला गया था, आप ध्यान रखना, यह पैर आपका गीला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मेरा तो इलाज चल रहा था, मेरी धर्मपत्नी बाहर बैठी थी। जब इलाज पूरा हुआ डॉक्टर ने अंदर बुलाया। मैं अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा, वो सज्जन जो हमें यहाँ लेकर आए थे वो कहाँ हैं? तब वह कहने लगी, वह तो हमें छोड़कर थोड़ी देर डॉक्टर को समझाकर पता नहीं कहाँ चले गए, मिले ही नहीं। मैंने कहा, यह तो परमात्मा की लीला है, परमात्मा ने स्वयं आकर हमारा इलाज कराया होगा,
लेकिन यह बात अभी अधूरी है। जो बात मेरे साथ घटित हुई वह तो अभी आगे होने वाली है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। हम इलाज कराकर बाहर आए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अब चलिए भगवान श्री रामलला का दर्शन करके आते हैं। बच्चों ने कहा, पिताजी आप चल नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। मैंने कहा, जिन्होंने स्वयं आकर मेरा इलाज कराया है उनके दर्शन के बिना अगर यहाँ से लौट जाएंगे तो मन प्रसन्न नहीं होगा। अभी तो चलना ही पड़ेगा, अब जो होगा परमात्मा को पता है। इस प्रकार मैंने बहुत जिद की और मैं मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगा। आपको पता है वहाँ तो किस प्रकार गवर्नमेंट ने सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। हम धीरे धीरे लाइन में लगे और बच्चों का हाथ पकड़कर मैं आगे बढ़ने लगा। दर्शन की लालसा से मन इतना प्रसन्न था कि इतने वर्षों बाद पुनः भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, मन में बड़ी प्रसन्नता थी। मेरे बच्चे कहने लगे, पिताजी आप बड़े प्रसन्न हैं, आप इस प्रसन्नता में यही भूल गए हैं कि आपको पैर में चोट भी लगी है। मैंने बच्चों से कहा, यही तो परमात्मा की कृपा है, जब वह कृपा करते हैं तब जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उन दुखों का एहसास ही नहीं होता। इस प्रकार जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम आगे बढ़ने लगे। जब हम रामलला मंदिर के नज़दीक पहुँचे तब वहाँ पहुँच कर जो मेरे साथ घटित हुआ वह बड़ा ही अलौकिक था, वह दिव्य चमत्कार था। उसे देखकर तो मुझे अपने आप पर भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम रामलला के मंदिर के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर भगवान श्री राम जी का विग्रह स्थापित था। उस विग्रह को देखकर मैं हैरान हो गया। यह तो वही विग्रह था जो प्रातःकाल मुझे नदी के नज़दीक दिखाई दिया था। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देखो जब मेरे पैर में चोट लगी थी तब मेरे नज़दीक भगवान श्री राम का विग्रह बहता हुआ आ गया था। मैंने उनसे कहा, प्रभु रक्षा करो। उस समय तो मैंने सही से ध्यान नहीं दिया, वह मुझे ऐसे लगा किसी ने बहा दिया होगा, तो इसलिए वह पत्थर मैं सीधा करके वहीं रख कर आ गया। पर देखो यह तो वही विग्रह है, वही मूर्ति है, इसे देखकर मुझे हैरानी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, जो मूर्ति मैंने वहाँ देखी यहाँ प्रकट हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, हो सकता है आपको कुछ संशय हुआ हो। मैंने कहा, नहीं कोई संशय नहीं हुआ है, यह वही विग्रह है जो मैंने वहीं देखा था। तब मेरा छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी मैंने भी उसे देखा था, मैंने भी उसे वहाँ से हटाकर थोड़ा सही जगह रख दिया था और प्रभु से कहा, प्रभु जी मेरे पापा की रक्षा करो, मेरे पापा का जल्दी से इलाज कराओ। तब मेरी धर्मपत्नी यह बात सुनकर बड़ी हैरान हो गई, सोचने लगी ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने वहाँ दर्शन किए, बाहर आया और मन में एक ही सवाल चलता जा रहा था कि जो प्रभु यहाँ है वो उस प्रकार वहाँ कैसे दिखाई दिए। अयोध्या से लौटकर यह बात हमारे गुरुजी को बताई। हमारे गुरुजी ने कहा, वह परमात्मा है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब स्थानों पर प्रकट हो जाते हैं। अब तो मेरा विश्वास परमात्मा के प्रति और अडिग हो गया। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब कोविड के समय में जब भारत के महान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भूमि पूजन किया श्री राम अयोध्या मंदिर का, उस समय भी मैं वहां पहुंचा था, क्योंकि अब तो मेरा परमात्मा के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ गया था। तो परमात्मा ने स्वयं आकर मेरी रक्षा की। किस प्रकार वह नदी के प्रवाह में बहते हुए मेरे नज़दीक आ गए और उन्हीं रामलला का मुझे मंदिर में दर्शन प्राप्त हुआ, यह दोनों ही बातें मेरे जीवन में इस प्रकार छप चुकी हैं कि मुझे अब तो यही विश्वास होता है, जब जीवन में दुख हो परमात्मा को याद करो, वह परमात्मा स्वयं प्रकट होकर भक्तों के दुखों का निवारण कर देते हैं। मेरे परिवार का विश्वास तो अब अडिग हो गया है। हर वर्ष हम अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने जाते हैं। अब तो एक यही कामना है, जल्दी से जल्दी श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, जिससे कि संपूर्ण जगत का
कल्याण हो, तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा किस प्रकार स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।